इब्रानियों के नाम पत्री 11वां अध्याय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबील ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थीं, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाईं, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की, और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है, और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लोहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इसराइलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए
जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना, जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसून का और यिफ्तह का और दाऊद और शामुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचें।